धन से बड़ा कोई मित्र नहीं होता और विद्या सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं होता उसका भाग्य भी अच्छा नहीं होता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दो। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें किसी अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण के समान ही उपयोगी हैं। मोह के समान कोई शत्रु और क्रोध के समान अग्नि नहीं है। भले ही कोई सांप जहरीला ना हो फिर भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को हर समय संयम रखना चाहिए। दूसरों के दोषों को ढूंढने की बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करें। किसी को भी अपना रहस्य नहीं बताना चाहिए। शत्रु की कमजोरी का पता लगाने में ही जीत है। बिना सोच विचार के कार्य करना विनाश का कारण बनता है। दुर्भाग्य को समझदार व्यक्ति ही संभाल सकता है। किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। शांति और धैर्य से कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। विद्या का अध्ययन सबसे बड़ा कर्म है। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा सहारा है। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। भय और संदेह का त्याग करना चाहिए। क्रोध से व्यक्ति का नाश होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय का सदुपयोग करते हैं। जिसके पास बुद्धि होती है वह शक्तिशाली होता है। सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। नीति के बिना राजनीति अधूरी होती है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। सफलता का मार्ग कठिनाइयों से होकर गुजरता है। वाणी पर नियंत्रण व्यक्ति को सम्मान दिलाता है। ईर्ष्या व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। धैर्य और साहस से सभी समस्याओं का समाधान होता है। मित्रता और शत्रुता सोच समझ कर करनी चाहिए। दूसरों की सफलता में भी अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। दूसरों की मदद करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। मोह और ममता से व्यक्ति बंध जाता है। दुष्ट व्यक्ति के साथ कभी भी मैत्री नहीं करनी चाहिए। समय का सम्मान करना चाहिए। अपमान का प्रतिशोध धैर्य से लेना चाहिए। जिसके पास धैर्य है वह सबसे बड़ा योद्धा है। दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं होना चाहिए। सफलता के लिए अनुशासन आवश्यक है। शरीर का स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। मित्रता में भी संतुलन आवश्यक है। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा विजेता है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें क्योंकि सफलता छुपी हुई योजनाओं से ही मिलती है।
विनम्रता सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि यह सबका दिल जीत लेती है। जो दूसरों का सम्मान करता है उसे ही सम्मान मिलता है। शिक्षा वही है जो व्यक्ति को सही और गलत का भेद बताती है। मूर्ख लोग दूसरों की गलतियों से कुछ नहीं सीखते। धन से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। दुष्ट व्यक्ति से सदैव दूर रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। ज्ञान का संचार करना ही शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं। समय का महत्व समझने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। बुरी संगति से हमेशा बचना चाहिए। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के भले में हो। अपनी बुराइयों को सुधारना ही सबसे बड़ी अच्छाई है। मित्रता का आधार प्रेम और विश्वास होता है। सच्ची शक्ति आत्मसंयम में होती है। अपमान का बदला लेने के बजाय उसे भूल जाना बेहतर होता है। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है, उनसे घबराना नहीं चाहिए। जीवन में सब कुछ क्षणिक है, इसलिए मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वह दूसरों पर नियंत्रण कैसे कर सकता है? जिसके पास विवेक नहीं है, वह ज्ञान के समंदर में भी अज्ञानी ही रहेगा। सच्ची मित्रता वही है जो मुश्किल समय में भी बनी रहे। धन का संग्रह करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसका सदुपयोग करना है। दूसरों के लिए प्रेरणा बनना सबसे बड़ा कार्य है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है जो कभी खत्म नहीं है। असली विजय वही है जो सबके साथ मिलकर हासिल की जाए। मनुष्य को अपने स्वभाव में स्थिरता रखनी चाहिए। सफलता का अर्थ केवल धन अर्जन नहीं होता, बल्कि आत्मसंतोष भी है।